lovely people. Que hachar sos ilegal. Dosa, dosa, dosa. Dosa. Niña, mamma mía. ¿Ese es tu parida la que ne vala? मजे ले रहे हैं लोग यहाँ से कूद रहे हैं ऊपर से Just coming. All right, guys. It's a great morning here in Costa Rica. We are at a beach. Santa Cruz is the place. And आज है अपना day 4. टिंडे टिंडे अमदा चार पानी पी के मारो डिगार. आज है हमारा दिन 4. क्या बात है? क्या बात है? So I'm at the great getaway Costa Rica with BMW. मजा आ रहा है दोस्तों. आपको भी आ रहा होगा मुझे पता है क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ. थोड़ी पार्टी कम कर रहा हूँ, थोड़ा कम सो रहा हूँ, बट हाँ कोशिश है मेरी कि मैं डेली वीडियोस डालूँ जितनी ये पूरी वीडियोस हैं. और हर वीडियो में आप में से एक लकी विनर को मैं देने वाला हूँ कैलेंडर. सो आई एम श्योर आपको पता है करना है क्या. फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, आज का वीडियो जब आप देख लोगे उसका स्क्रीन शॉट लेके इंस्टाग्राम पर शेयर करना, मुझे टैग करना, और साथ में पूरे एपिसोड में से क्या पार्ट आपको बेस्ट लगा वो मेरे को लिख के ज़रूर से बताना, ताकि मुझे भी पता लगे आपने पूरा वीडियो देखा है. एंड भाई प्लीज़ फुल सपोर्ट कर दो. Here people are loving it and I am also loving it. Thank you very much. You are giving me awesome response, amazing comments. Sabko acha lag raha hai. I am here from India and I am doing the best I can do here. फीलिंग हॉट. वैसे तो कमरा ठंडा है क्योंकि एसी चल रहा है, बाहर सच में गर्मी थी बहुत ज़्यादा ना. मतलब टेम्परेचर ऐसा रहता है कि आपको ह्यूमिडिटी बहुत फील होती है, गर्मी है, तीखी धूप है, सनबर्न हो गया काफ़ी लोगों को भी. मैं भी रोज़ बहुत सारा सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, उसके बाद भी थोड़ा सा टैन हो चुका हूँ ऑलरेडी. और वैसे आज हमने राइड नहीं करनी थी, बट अभी थोड़े फैंसी शॉट निकालने के लिए, थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं. टैन है नहीं है माँ मम्मी है. वैसे तो बढ़िया लगने वाला है. ओके सो ये कैसे पहनेंगे, ज़रा पहले चश्मा हटाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर पहन लेंगे. आ आ आ आ समथिंग लाइक दैट. साफ ब्लू कलर का यहाँ पे पानी दिख रहा है मुझे. सम पीपल आर एंजॉइंग एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग, बिकॉज ऐसा है देखो गर्मी तो बहुत है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. इट्स टू हॉट. और अभी इस शूट के बाद मैं तो मतलब ऐसा दिखने वाला हूँ कि मुझे भी डर लग रहा है सोच के, क्योंकि यार मेरे को एक तो ये जो गर्मी है ना बहुत जल्दी हिट करती है, ऊपर से मेरी जो स्किन है ना एकदम रेड ब्लैक हो जाती है बहुत ही जल्दी से. ऑल दो सनस्क्रीन काफ़ी लगाया बट फिर भी. We'll be right back.
आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि जूते क्यों उतारे हमने, बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ बोट जिसको बोलते हैं कैटामरान, और उस पर हमारा पार्टी है. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट. तो बस लेके होटल से यहाँ तक आए थे. बट लुक एट दिस व्यू मैन, दिस इज वेरी नाइस. वैसे भाई मतलब ना टैनिंग ऐसी हो चुकी है मैं बता नहीं सकता आपको. तो सामने में बोट खड़ी है, मुझे नज़र में आ रही है, और यहाँ पे बहुत कॉमन कल्चर है कोस्टा रिका में. सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है. अभी थोड़े से वर्ड सीख रहा हूँ मैं स्पैनिश में, उसके बाद आपके साथ मज़े लगाए जाएंगे, लोगों के साथ भी लगाए जाएंगे. सो दिस इज काइंड ऑफ अ सीन. अभी कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे. यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू कैटामरान. एग्जैक्टली क्या होता है, दो बोट्स ना ऐसे जुड़ी होती हैं, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, और लोग बहुत पसंद करते हैं उसके ऊपर में पार्टी करने का. तो हम भी आज पूरा दिन यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज ऐसा है मेरा लास्ट टाइम ना थाईलैंड में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बोट के ऊपर में, क्योंकि यहाँ भी लंच होस्टेड है और वहाँ भी मैंने ना कुछ खा लिया था बोट पे. उसके बाद ऐसे 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 बोट हिलती है ना, तो इतना वॉमिट सेंसेशन हो रहा था, इतना चक्कर आ रहा था, आई वॉज नॉट इन्जॉइंग इट ऑल. आई रिमेंबर दैट डे. यस, जस्ट सेटलिंग अप देयर फॉर अ प्राइवेट पार्टी ऑन अ प्राइवेट बीच. सो अभी हॉट लेंगे वहाँ पे. बट मैन दिस इज सो डिफरेंट, सो फन, दिस इज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. सो दैट्स अवर ट्रांसपोर्ट फॉर द बीच, प्राइवेट बीच. इट विल बी फन मैन. यू रेडी फॉर द जंप? ओह मैन, आफ्टर एलेक्स आई गेस ही इज द फर्स्ट. विल यू जंप? विल यू जंप फ्रॉम दैट? यस यस, एलेक्स इज रेडी. I'm feeling really bad कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती यार. मजे ले रहे हैं ना लोग, यहाँ से कूद रहे हैं ऊपर से सीधा वहाँ. सो आई फाउंड अ सॉल्यूशन, लाइफ जैकेट. लाइफ जैकेट पहन के मैं भी जा रहा हूँ अंदर भैया, मुझसे यहाँ पे ना मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा. आई रियली वॉन्ट टू बी देयर एंड एंजॉय मैन, क्योंकि यही तो करने आया हम, है ना. आई गॉट माई लाइफ जैकेट हियर. थैंक यू, थैंक यू माइकल. यस, शाहरुख खान के बारे में पता है? यू नो अबाउट शाहरुख खान? यू ऑल्सो नो? ओ मैन, ही इज फेमस वर्ल्ड वाइड.
A few moments later. अच्छा मतलब पार्टी चल रही थी कैटामैरन पे, आप ही थे ना? ओ हाँ मैं ही था भाई, नाच रहे थे, गा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, सरप्राइज बर्थडे अटेंड किया है, जिनका बर्थडे था उनको भी सरप्राइज मिला, हमें भी मिला, क्योंकि ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा हमें पता ही नहीं था. सो देयर इज दिस गर्ल फ्रॉम पोलैंड, उनका आज बर्थडे था, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, अभी दोबारा से डिनर करने जा रहे हैं, बर्थडे डिनर. सो दिन में तीसरी बार कपड़े बदलना दोस्तों, सुबह बदले, दोपहर में, रात में. सच्ची बोलूंगा आई एम वेरी टायर्ड, यू कैन फील दैट, बट येस आई हैव टू गो एंड अटेंड दिस डिनर, इट्स अ मस्ट. एंड सुबह फिर मेरे को जल्दी उठना है, आज भी 5:30 बजे उठ के मैं एडिट कर रहा था. प्यार है आपका तभी कर पा रहा हूँ, और अपने आप पे प्राउड है कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा, भगवान ने बॉडी ऐसी दी है कि झेल लेता हूँ. सुबह से उठा हुआ हूँ, अभी भी एनर्जी है, रात को आके भी एडिट करना है. सो दैट इज समथिंग आई लव डूइंग, आई हैव टू डू इट, यू गॉट माई पॉइंट. तो चलो चलते हैं नीचे, 8 बज गए हैं, लॉबी का टाइम हो गया, मतलब लॉबी में मिलने का टाइम हो गया, पार्टी अटेंड करके आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसी रही पार्टी, उसके बाद वीडियो करेंगे क्लोज. आज बाइक वैसे नहीं चलाई, बट हाँ सुबह मतलब जो हमारी फोटो शूट हुआ ना वो बहुत अमेजिंग हुआ है. मैंने कुछ पिक्चर्स देखी, मेरे पास में कुछ वीडियोस हैं, लेट मी शो यू वन. सो ये सब कुछ देखने के लिए आप जाओ प्लीज इंस्टा पे फॉलो करो, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में. मैंने पी नहीं है ना, मेरे को पिला दी गई है, इट इज़ डेजर्ट. मैं बहुत टायर्ड हूँ भाई, ये नींद का नशा हो रहा है मेरे को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना जेट लैग भी है, अभी मैं थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता मैं क्या कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. चलो ऐसा है, कैंदी ओंदी सी, खाना ठीक ठाक था, स्वीट डिश थोड़ी ज़्यादा स्वीट थी, जगह अच्छी थी, प्यारी थी बैठने के लिए. सो बढ़िया सा डिनर करके हम लोग वापस आ गए हैं. अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सो जाना चाहिए, बट दिल और दिमाग में फाइट चल रही है, क्योंकि काम भी पेंडिंग है, ऊपर से कमरा भी संभालना है, क्योंकि कल हम चेकआउट कर रहे हैं और कल राइड करेंगे टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो मज़ा आएगा, मतलब हर दिन की ना नई एक्साइटमेंट है, अब कल राइड करेंगे उसका मज़ा आएगा, उसके बाद जिस भी नई लोकेशन पर ले जाएंगे वहाँ भी मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ भी नया देखने में, नया करने में ज़्यादा मज़ा आता है. सो एक्साइटेड मैं ऐदा, और बाकी टेंशन में ऐदा. तो चलो मैं करता हूँ फिगर आउट, आपसे मिलते हैं कल, वीडियो करते हैं यहीं पे क्लोज. जो भी लकी विनर होगा गिव अवे का, कैलेंडर का, डिस्क्रिप्शन में, नहीं नॉट डिस्क्रिप्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. थोड़ा थोड़ा मतलब एक आधा दिन का आगे पीछे डिले आएगा, बट डेफिनेटली जितने ब्लॉग्स आ रहे हैं उतने लकी विनर्स मिलेंगे ही मिलेंगे आप सबको. करते हैं इसी प्यारे से नोट पे वीडियो क्लोज. मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का. Keep loving, keep supporting. Signing off, Jason. Bye.